ये मिले दूरी कचिया के फूल लेके जो हंस रही हो गुलाब के फूल सिली मिली कपड़ा तो रिंगना का माल तू की कर दो बाबा तो के छुपी नी दो गाल तुरा हो जाए बवाल तो के छुपी आपका भी गाना आ रहा है चूमे देनी गाल सर एक बार किस किए हैं कि नहीं किए हैं नहीं नहीं क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है जैसे सर आपका शादी भी हो गया है और जैसे घर में जैसे वीडियो को लेकर के कुछ प्रॉब्लम समस्या जैसे आपको घर में कुछ बोलते हैं नहीं 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 घर से फुल सपोर्ट है ना सर घर से फुल सपोर्ट है और मेरा कहने का मतलब जैसे वीडियो बनाते हैं कैसा फील होता है और जैसे लड़कियों के साथ भी क्लोजअप में देखा हूँ आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है कैसा लगता है आपको और भी लोग जैसे कई लोग देख रहे हैं वीडियो आपका भी देखते होंगे बिल्कुल वर्ष है उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नया लोग हैं अगर मान जाए कि अगर गाना गाना चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में भी वो लोग भी आना चाहते हैं उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल जिनको भी ऐसा रुचि है कि मैं गाना गाऊं और व्यक्तिगत रुचि हूं सर लेकिन बहुत से ऐसे बाहरी व्यक्ति भी होते हैं जैसे आपका वीडियो देखते हैं अगर वो लोग कहीं बोलते हैं कि नहीं ज़्यादा क्लोजअप जैसे मैं भी ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ तो उसमें देखने के लिए मिलता है लोगों का कमेंट भी आता है कि ज़्यादा जैसे क्लोजअप हो रहे हैं शादी भी हो गया है तो उस प्रकार से उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे तो बनाने का मेरा एक ठो वजह होता है कि मैंने मेरे को अपना जो फीलिंग है मेरे को सही अगर कहीं दिखाना हो गया तो गाइस आज मैं फिर से आया हूँ स्टूडियो ड्रीम में और आज मेरे साथ मेरे खास दोस्त हैं और ये भी कलाकारी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं बलरामपुर के अभी हो सकते हैं कि बहुत अच्छे कलाकार के साथ साथ बलरामपुर में अभी फेमस हैं और चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे और आज भी इनका एक गाना का रिकॉर्डिंग चल रहा था बहुत अच्छा गाना था चलिए सर थोड़ा सर अपना नाम बताइएगा पहले तो दीपक जी को मेरा प्रणाम मेरा नाम है धनंजय दिवांगन कछिया से बिलोंग करता हूँ जी सर जैसे अभी आप गाना गा रहे थे थोड़ा सा गाना को सर दो शब्द गुनगुनाइएगा सर वो गाना का जो पॉइंट है वो चूमे देवे गाल ऐसे करके है अभी प्रक्रिया चालू है कुछ ही दिन में आप लोगों के सामने गाना पेश कर दिया जाएगा जी जैसे सर आप वीडियो भी जैसे नागपुरी भोजपुरी जैसे हो गया और छत्तीसगढ़ी सब कुछ मतलब वीडियो बनाते हैं सर जैसे वीडियो बनाते हैं कैसा फील होता है और जैसे लड़कियों के साथ भी क्लोजअप में देखा हूँ आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है कैसा लगता है आपको थोड़ा बताइएगा सर वीडियो बनाने का रील बनाने का मेरा एक ठो वजह होता है कि मैंने मेरे को अपना जो फीलिंग है मेरे को सही अगर कहीं दिखाना हो गया तो उस चीज को कैसे दर्शाना है इसलिए मैं रील पे अपना जो पोजीशन है अपना जो है उसको मैं करके पहले ट्राई कर लेता हूँ इसके बाद तो फिर परिस्थिति देना होता है तो डायरेक्ट मैं उसको दे देता हूँ कहने का मतलब जैसे सर आपका शादी भी हो गया है और जैसे घर में जैसे वीडियो को लेकर के कुछ प्रॉब्लम समस्या जैसे आपको घर में कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं घर से फुल सपोर्ट है ना सर घर से फुल सपोर्ट है और मेरा कहने का मतलब हम जो काम कर रहे हैं हम काम पे फोकस देंगे ये नहीं कि हम लड़की खड़ा कर लिए तो लड़की को हम देखेंगे नहीं वो एक अलग सिग्नल आता है अगर हम अगर जिस काम पे फोकस कर रहे हैं वो लड़की आ भी गई तो हम अपने काम को वहां दर्शाएंगे जी जी वो लड़की का वहाँ कोई सिस्टम है लड़की है लेकिन वो अपने हम लोग करने के बाद अपना अनुसार अपने अनुभव से उनको वो कराते हैं ऐसा ना लगे कि लड़की को भी दिक्कत हो और लड़का को भी दिक्कत हो ऐसा कुछ नहीं है जी सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर लेकिन बहुत से ऐसे बाहरी व्यक्ति भी होते हैं जैसे आपका वीडियो देखते हैं अगर वो लोग कहीं बोलते हैं कि नहीं ज्यादा क्लोजअप जैसे मैं भी ब्लॉग वीडियो बनाता हूं तो उसमें देखने के लिए मिलता है लोगों का कमेंट भी आता है कि ज्यादा जैसे क्लोजअप हो रहे हैं शादी भी हो गया है तो उस प्रकार से उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो देखते हैं वीडियो नहीं नहीं मेरा कहने मतलब समय के हिसाब से आदमी को चेंजिंग आना चाहिए जी जी सभी कोई को बोल रहा हूँ समय के हिसाब से व्यक्तिगत अगर चेंज हो जाता है तो आने वाला समय पे उनको ज्यादा कहने मतलब चक्की नहीं पीसना पड़ेगा तो वो क्लोजअप होने का मेरा मेन कारण यानी उद्देश्य ये है जैसे आपका अभी गाना आ रहा है चूमे देनी गाल सर एक आध बार किस किए हैं कि नहीं किए हैं नहीं 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 किस नहीं हुआ है लेकिन जो है दर्शक देखने वाले वो वीडियो को देखेंगे तो वो हालांकि इस चीज को सोचेंगे कि यहाँ कुछ लीगल टाइप से हुआ होगा लेकिन अगर कहने का मतलब उस चीज को हम लोग जानते हैं वैसा कुछ नहीं होता है जैसे गाना जिस प्रकार से सिग्नल देता है उस प्रकार से हम लोग को काम करना होता है और जैसे गाना के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट होता है उसके माध्यम से आप लोग फीलिंग जी 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 जैसे माझे करने मतलब भोजपुरी तो भोजपुरी टाइप से करना होता है नागपुरी हो गया नागपुरी टाइप से करना हो जाता है बेदर्दी बेदर्दी
तो गाना से ही हमको एक सीख मिलता है कि कहाँ कैसे करना है। जैसे सर और भी लोग, जैसे कई लोग देख रहे हैं वीडियो, आपका भी देखते होंगे, व्यूअर्स हैं, उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नया लोग हैं, अगर मान जाए कि अगर गाना गाना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में भी वो लोग भी आना चाहते हैं, उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिनको भी ऐसा रुचि है कि मैं गाना गाऊं और व्यक्तिगत को रुझाऊं उस गाना पे, तो अपना ड्रीम स्टूडियो चलगली एकदम रंगारंग है, यहाँ आप आए और अपना जो भड़ास है, जो गाना का जो मधुर है आपके पास, उस चीज को आप छिपाइए मत, उस चीज को दिखाइए आदमी लोग को कि आपका एक अलग पहचान हो संगीत क्षेत्र में, आपको जाने आदमी दूर दूर तक जाने, अपने हाल फैमिली को ऐसा लगे कि हाँ आज बंदा या बंदी मेरा जो भी लड़का है या लड़की है कि आज इस लेवल में यहाँ मेरा नाम आ रहा है, ऐसे करके भाई अगर आप चाहते हैं और है आपके पास वैसा कहने का मतलब कला, तो आप आ सकते हैं ड्रीम इंस्टीट्यूट चलगली। जी जी, तो अभी मैं बात कर रहा था धनंजय देवगन जी से, और एक दोनों की, जैसे कोई भी नया कलाकार अगर आना चाहता है तो स्टूडियो ड्रीम में आ सकता है, अपनी एक प्रतिभा एक जुनून को यहाँ पर उभार सकता है, एक दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना सकता है स्टूडियो के माध्यम से। और आप लोग बिल्कुल आइए, आप लोग को मेरे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, साथ में हमारे भैया जी का जो यहाँ के मेन ऑनर है उनका भी नंबर डाल दूंगा, वहां से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे जरिए भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो जरूर आइए स्टूडियो ड्रीम में, आप सबका स्वागत है। जैसे सर अभी तो आप नागपुरी भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी सब वीडियो गाना के माध्यम से मान जाइए वीडियो बना रहे हैं जी, सर अभी और नया कुछ क्या करना चाहेंगे, जैसे अभी आगे लाइफ को लेकर के चाहे एक नया इंटरेस्ट हो जिसमें लोगों का भी रुझान हो? और बलरामपुर जिला के अंतर्गत में हम लोग का एक अभी फिल्म शूटिंग होने जा रहा है, जिसमें कि मैं आल सभी दर्शक भाई लोग को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अगर इसमें अगर रुचि लेते हैं, आपको अगर काम करना है, तो मेरा मोबाइल नंबर 9098625934, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जगह खाली है अगर आप अगर आना चाहेंगे तो, और मतलब हर आप आए और जो आपको जैसा लगा वैसा मेरे से आप संपर्क कीजिए, मैं वैसा स्थान आपको दूंगा, मैंने एक मार्गदर्शन देने वाला ही अभी हम लोग का जो शूटिंग होगा उसमें है, और कनेक्ट मतलब आप सभी कोई को अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल, तो अभी सर जी एक फिल्म बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और एक शॉर्ट मूवी छत्तीसगढ़ी में आएगा, और आप लोग भी अगर इच्छुक होंगे काम करने के लिए तो आप लोग बिल्कुल इनके नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सबका वहां पर मैं डिटेल डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो जरूर आइए और शॉर्ट फिल्म में आप लोग काम जरूर कर सकते हैं, भाग ले, अंदर वो भावनाएं वो एक प्रकार से जुनून होना चाहिए, और जरूर आप लोग आइए यहाँ पर, आप लोग को बिल्कुल एक प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। और कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो, इनका एक इंटरव्यू के तौर पर देख सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो सब कुछ कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।